स्वामी जी, आज ये एपिसोड हम एक व्यक्ति की रोजमर्रा की जो जिंदगी है, सुबह से शाम की जो जिंदगी है, वो कैसे जीता है और उस जीवन के अंदर क्या घटित होता है और उसका अध्यात्म विज्ञान क्या उपाय दे सकता है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन दे सकता है, तो उसके बारे में हम वार्ता करेंगे। स्वामी जी, इस दुनिया में जो भी समझदार व्यक्ति है आज के इस भौतिक विज्ञान के युग के अंदर, वो विश्व का नंबर वन बनना चाहता है, इसके लिए प्रयास करता है, सुबह से शाम तक आपाधापी करता है, भागता रहता है और वो समझता है कि मैं कुछ पुरुषार्थ कर रहा हूँ, बिना पुरुषार्थ किए तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सभी कहते हैं पुरुषार्थ करोगे तभी आगे बढ़ोगे, लेकिन हरेक अलग अलग लक्ष्य है, हरेक अलग अलग कामना है, उन कामनाओं में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति जो चाहता है वह होता क्यों नहीं? एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, लंबे समय तक जो है प्रयास करता रहता है, फिर भी होता क्यों नहीं है? कृपया इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और प्रश्न के लिए धन्यवाद। बात सीधी सादी सरल है। हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वो तनाव वाला जीवन है, बोझ वाला जीवन है, और अज्ञानता के साथ वो जुड़ा हुआ है, और वो अज्ञानता खुली अज्ञानता है। मैं अध्यात्म की अज्ञानता की तो बाद में बात करूंगा, खुली अज्ञानता है, और जो ये बेसिक समझ हर इंसान में होनी चाहिए जीवन जीते समय, कि मेरे को काम करने के लिए स्कूटर पे जाना पड़े, कार पे जाना पड़े, रिक्शा पे जाना पड़े, ट्रेन पे जाना पड़े, बस पे जाना पड़े या प्लेन से जाना पड़े काम करने के लिए, मगर व्हीकल को दौड़ना है, मेरे को काम करना है, मेरे को दौड़ना नहीं है, ये तो समझना पड़ेगा। तो बॉडी इज अ व्हीकल, नॉट आई एम। और जिस प्रकार के कर्मों की प्रोग्राम है मेरा, इस प्रकार से जीवन के संजोग तो आएंगे और बॉडी को दौड़ना पड़ेगा, और दौड़ने की शक्ति भी, शक्ति और संजोग कुदरत देते हैं। तो मैं मानता हूं कि मैं दौड़ रहा हूं, बस ये अज्ञानता है। वाहन को दौड़ना है वो अज्ञानता नहीं है, मगर मैं कार में बैठ के मैं कहूंगा कि 8 घंटे के बाद कि मैं अहमदाबाद से बंबई आया, तो ये तो तनाव है। कार अहमदाबाद से बंबई आई, मैं बैठा हूं अहमदाबाद से बंबई में काम करने के लिए आया, कार लेकर आई, अभी मैं काम कर रहा हूं, मगर अहमदाबाद से बंबई आने का जो तनाव है काम, वो मैंने नहीं किया है, उसका बोझ मेरे को क्यों? तो प्रश्न ये है, जीवन की हर परिस्थितियों में घूमना ये प्रकृति रूपी वाहन का काम है, और मैं वाहन नहीं हूं, मैं वाहन के माध्यम से काम करने के लिए अलग अलग जगह वाहन जाता है, वहां से मैं अपना काम निपटारा करता हूं। अगर मेरे को पिताजी को मिलना है तो वाहन पिताजी के घर पे ले जाएगा, मैं काम खत्म करके वापिस आ जाऊंगा। तो प्रश्न ये है, वाहन का काम वाहन को करने दो और आपका काम आप करें। आपका काम है सोचना, बोलना, समझना और कार्यों को सुलझाना, सॉल्व करना, और वाहन जो शरीर रूपी वाहन है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। उनका कोई प्रश्न है ही नहीं, उनको सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए, तो वाहन है, पैदा हुआ मर भी जाएगा, उनको तो कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है जिसका दिमाग चलता है, प्रश्न है जो जीवन जीना चाहता है, प्रश्न है जो परिवार चलाना चाहता है, प्रश्न है
जो पढ़ाई करना चाहता है, प्रश्न है जो नेता अभिनेता बनना चाहता है। तो बात यह है, हम वाहन को ही नेता अभिनेता मानते हैं, हम वाहन को ही स्टूडेंट मानते हैं, हम वाहन को ही बिजनेसमैन मानते हैं, हम वाहन को ही विद्यार्थी मानते हैं, हम वाहन को ही गुरु मानते हैं, वाहन को ही शिष्य मानते हैं। बस ये फंडामेंटल इग्नोरेंसी है। वाहन के पास ज्ञान ही नहीं है, और जो ज्ञान है वो वाहन से अलग है। तो ये बातें हमको समझना पड़ेगा। वाहन के माध्यम से वाहन को ज्ञान चाहिए, मगर वो ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला दोनों अलग है, वो समझना पड़ेगा। वाहन मीडिएटर जरूर है, क्या बताया? मीडिएटर जरूर है, निमित्त निमित्त है। वाहन के पास ज्ञान नहीं है और वाहन को नहीं चाहिए, ये दोनों बात समझना है। तो मेरे को पढ़ाई करना है, पैसा कमाना है, परिवार चलाना है, तो ये ज्ञान मेरे पास है बेसिक, इसके लिए ये वाहन के साथ में दौड़ता रहूंगा। कभी सफलता मिलेगी, निष्फलता मिलेगी, वाहन तो वाहन ही रहेगा। वाहन के लिए सफलता निष्फलता नहीं है, वो तो जन्म से मौत तक चलता रहेगा। डेप्रिसिएशन भी वाहन को आएगा और अंत भी आएगा, मगर ज्ञान तत्व है, इच्छा अपेक्षा है, अचीवमेंट है, वो उसका जो आनंद है, और अगर न पूरा होने से जो एक प्रकार की ग्लानी फील करते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ मेहनत करने के बावजूद, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान को वाहन के साथ मत जोड़ो। उसे और रिफाइन करना है तो ये जोड़ो कि वाहन के माध्यम से मैं जो कुछ भी मेहनत कर रहा हूं, पढ़ाई की, परिवार के लिए, पैसे के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ये जो मेरी इच्छाएं है, अपेक्षाएं है, आकांक्षा है, वो पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसके लिए डायरेक्ट वाहन जिम्मेदार नहीं है, ये कर्म जिम्मेदार है। जो राम की बात को भी नहीं मानते हैं, जो कृष्ण की बात को भी नहीं मानते हैं, जो महावीर की बात को भी नहीं मानते हैं, वो कर्म जिम्मेदार है। डायरेक्ट न वाहन जिम्मेदार है और ना ही मैं जिम्मेदार हूं। मैं तो प्रयास करता रहता हूं, मगर क्योंकि कर्म ऐसा लेकर आया हूं ताकि फल उसी प्रकार से आएगा, इसीलिए सिर्फ मेरी मेहनत से ही फल मिलेगा वो जरूरी नहीं है, कोई भी फील्ड में, मगर प्रयास करना, प्रयत्न करना, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, कर्मण्यवादी का अर्थ है। तो कर्म करना वो हमारा जीवन है, फल तो कुदरत ही देगी क्योंकि उसकी डिजाइन हो चुकी है। और इससे भी आगे जाएंगे तो हमको ये समझना है कि संसार के प्रति हमारा जो राग द्वेष के एक अपेक्षा होती है, प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी होती है, और इसके लिए हमको मेहनत भी करनी पड़ती है, मगर ये सब कुछ जो करते हैं वो कुदरत ने दिए हुए शरीर और संयोग के माध्यम से होता है, और प्राप्ति के रूप में सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन भी फिजिकल फॉर्म में शरीर को मिलता है। हमको तो कुछ मिलता नहीं है, शरीर को जो मिलता है उसका आनंद हम लेते हैं, सुख दुख का मिलता तो हमको नहीं है। पैसा भी शरीर को मिलता है,
मकान भी शरीर को मिलता है, डिग्री भी शरीर को मिलता है, परिवार को भी, परिवार भी शरीर को मिलता है, स्टेटस भी शरीर को मिलता है, और हम शरीर नहीं है। तो ये बात तो ठीक तरह आपका कोई भी धर्म है, ये तो बेसिक है ना, इसमें कोई सांप्रदायिक धर्म बीच में नहीं आता है। तो ये तो सबको समझना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करे जाओ, जैसे जैसे संजोग आते हैं, हो सकता है फल मिले या ना मिले, बट आई एम, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं हूं। अगर मैं यानी आत्मा नहीं हूं तो कुछ नहीं है। चाहे शरीर को या संजोगों को सफलता मिले या ना मिले, अहंकार को सफलता मिले या ना मिले, बुद्धि को सफलता मिले या ना मिले, मगर मैं तो हूं ना, मैं नहीं तो सफलता निष्फलता भी नहीं है। तो खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना वो जीवन जीने का सही रास्ता है। बाकी अवस्था तो आएगी और जन्म जीवन तो मृत तो होता रहेगा, मगर मैं हूं तभी ये सब कुछ होता है, ये समझने की जरूरत है। ये सब कुछ है या ये सब कुछ हो रहा है इसीलिए मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं तो भी दुनिया चलती रहेगी, मगर ये शरीर की दुनिया तो मेरी वजह से चलती है। मैं चलाता नहीं हूं, मैं विटनेस हूं, मेरी प्रेजेंस है, मैं कैटालिस्ट हूं, मगर मेरी हाजिरी के बिना जीवन ही नहीं है। तो मेरी हाजिरी में जो कुछ भी हो रहा है, इसको अगर अंदर का लाइव ईगो कर्मण्येवाधिकार रस्ते की तरह देखते रहेंगे तो न कोई सुख है न कोई दुख है, न कोई सफलता है न कोई निष्फलता है, न कोई प्राप्ति है न कोई लॉस है, न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है, बस पानी के प्रवाह को, जीवन के प्रवाह को देखते रहो और आनंद लेते रहो कि क्या क्या अवस्थाएं आती है हमारी, ये शरीर की, अन्य शरीर की और कुदरत की अवस्था क्या क्या आते हैं देखते रहो, उसी में आनंद समाया। क्योंकि प्राप्त करना और जो प्राप्त किया है वो छोड़ देना, ये दोनों आपका कर्तव्य नहीं है। देने वाले भी कुदरत है और लेने वाले भी कुदरत है, ये बात तो आपको ओपनली दिखती है। ये कोई आध्यात्मिक रहस्य की बात नहीं है, फैक्ट है। यू कैन सी थ्रू योर आई, आप आपकी आंखों से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, सच्चाई तो समझनी पड़ेगी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हैं, ये कोई सांप्रदायिक बातें या धार्मिक बातें नहीं है। तो हर इंसान को जीवन जीने के लिए ये दृष्टि को परिपक्व करना पड़ेगा, तभी उसका जीवन शांत और स्थिर रहेगा। कर्मों के वश संजोग तो अच्छे बुरे आएंगे और सुख दुख होता रहेगा, मैं मना नहीं करता हूं, मगर हमको ये देखना है कि सुख दुख के भुगतान संजोगों के माध्यम से शरीर को होती है, हम इसको जानते हैं, और डिस्चार्ज अहंकार और बुद्धि उसके भुगतान करता है। तो इसीलिए आइए हम सही जीवन को समझने की और सही जीवन जीने की कोशिश करें, बिना तनाव मुक्त और बिना भूत भविष्य की चिंता किए बिना हम अच्छा जीवन जिए, प्रयास करते रहे, यही जीवन का मर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु सुखदायिनः, यही दृष्टिकोण, यही समझ को, यही सोच को ध्यान में रखे हम अपना जीवन जीते रहे। कुछ पाना है कुछ खोना है वो सब्जेक्ट नहीं रखे, कर्म किए जाए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया कि हमारी जो मान्यता है वो भ्रांत होने के कारण हम तनाव में आते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले करेक्शन हमारी मान्यता में देना पड़ेगा, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उसकी जगह राइट बिलीफ के अंदर आपको आना पड़ेगा कि आपका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व जो दिखाई दे रहा है मन वचन काया रूपी है वो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व इसके परे है। आपको उस अस्तित्व तक जाना पड़ेगा, आप
अगर अस्तित्व तक जाते हैं, उसको टच करते हैं अपने साध्य को, तो कोई समस्या हो नहीं सकती है। और जहां तक मैंने प्रश्न किया था कि जो चाहते वह होता क्यों नहीं है, इसका कारण ही एक, जो हम चाह रहे हैं वो तो सामने है, और जो हम लेकर के आए वो हिडन है। होगा वही जो हम लेकर के आए, यानी जो हमारा कॉज है वो हमें मालूम नहीं है, इफेक्ट हम पहले तैयार कर देते हैं, जबकि इफेक्ट वही मिलेगा जो कॉज के अंदर है। इसीलिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। स्वामी जी, अब थोड़ा जो समय बचा है उसमें छोटा सा प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ कि व्यक्ति जो है अपना जो वर्तमान का जीवन जीता है, तो उसमें प्राय जो है वह भूतकाल की बहुत ज्यादा कल्पना करता है कि मैं ऐसा था, ऐसा कर रहा था और ऐसा हो गया, उसके अंदर टाइम जो है ज्यादा लगाता। या कई लोग ऐसे होते हैं जो कि भविष्य की कल्पना करते रहते हैं, दे बिल्ड दी कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाते हैं। ऐसे लोगों को कृपया जो बचा हुआ समय उसमें उपदेश दीजिए कि वर्तमान में जीने से व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है, तनाव मुक्त हो सकता है, यानी वर्तमान में जीने के जो फायदे हैं, थोड़ा समय बचा हुआ है, कृपया उसके अंदर ये बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है, ऐसा ह्यूमन हमको समझना है कि आनंद अगर साधनों से, संबंधों से, संपत्ति से या डिग्री से आता है वो आपकी भ्रांति है। आनंद दृष्टि से आता है, देखने की नजरिया। आनंद इससे आता है ज्ञान से, आनंद इससे आता है समाधान से, आनंद इससे आता है संतुष्टि से, आनंद इससे आता है आत्मविश्वास से, आनंद इससे आता है उत्साह से, आनंद इससे नहीं आता है आपने क्या प्राप्त किया। क्योंकि जो लोग प्राप्त करते हैं वो अपने जीवन में और ज्यादा प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, जो है इसकी भुगतान भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्राप्ति से जो आनंद होता है भौतिक, जैसे ये भ्रांत है। तो आनंद ज्ञान से आता है, सही सोच से आता है, सही समझ से आता है, ये हमको समझना पड़ेगा। और आगे आगे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और भी बातें, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ विजन, आप सबको बताते रहेंगे। और आप सब अपना जीवन धर्ममय, मंगलमय और मुक्तिमय बनाओ, यही मेरी। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सोच, हमारी थिंकिंग है पॉजिटिव होनी चाहिए, और व्यक्ति थोड़ा प्रयास करे तो वो दुख में से सुख निकालने की कला सीख सकता है। और आपने बताया कि वो कला है वर्तमान में जीना। हालांकि भूत भविष्य अखंड है, हमको जाना चाहिए, जाना पड़ेगा और जाते हैं, लेकिन अधिकतम समय वर्तमान में जिया जाता है, क्योंकि जो परिणति होती है वर्तमान में ही होती है। और किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is to do something, समय एंड गोइंग मा पमाए। हम हमेशा वर्तमान में जीते रहे, वर्तमान की साधना करें, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। स्वामी जी, आपके उपदेशों से हमारा जो सत्संग है बहुत ही सुंदर चल रही है, हमारे श्रोता बहुत संतुष्ट हैं, और श्रोताओं को हमारा विजन खुला हो रहा है, क्योंकि ज्ञान दर्शन जो आप दे रहे हैं, ये खुले ज्ञान दर्शन से दे रहे हैं, वो ज्ञान दर्शन हमारे में संप्रेषित हो रहा है। तो ज्ञान दर्शन खुला होने से हमारी सोच खुली हो रही है, और सोच खुली होने से हमारे के अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, चेतना का विस्तार हो रहा है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, साधुवाद, धन्यवाद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।